हेलो एवरीवन जैसा कि आप सबको पता है कि कल से हमने एक थर्टी डेज डब्ल्यू ए टी चैलेंज शुरू किया है जिसमें कि डेली हम कम्युनिटी पोस्ट पे पांच पांच डब्ल्यू ए टी के वर्ड्स को पोस्ट करेंगे और आपको उससे रिलेटेड सेंटेंस लिखने हैं कमेंट बॉक्स में और अगले दिन हम उसके एनालिसिस को लेके आएंगे कि आपने कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं आपने क्या गलतियाँ करी हैं क्या आपको कैसे वर्ड्स आपको लिखने यूज करने हैं कैसे वर्ड्स को अवॉइड करना है कैसे सेंटेंसेस को आपको आ, फ्रेम करना है और किस तरह का सेंटेंस होना चाहिए सो so, सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर एफर्ट्स मैंने uh, देखा बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रखे हैं बहुत सारे बच्चों ने अपना टाइम निकाल के कमेंट्स किया है और बहुत तरीके सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगे कि आप लोगों ने वन टू फाइव सीरियल नंबर वाइज आपने अपने सेंटेंसेस को बनाया है ताकि वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया पढ़ना और उस तरीके मैं बहुत इजीली uh, पढ़ के और फिर आपको समझा सकती हूँ तो उसके लिए थैंक यू सो मच अब uh, स्टार्ट करते हैं और कमेंट्स को पढ़ते हैं तो पहला कमेंट है आर एन सिंह का ओके फर्स्ट इज बींग पोलाइट शोज काइंडनेस जर्नी थ्रू अ फ्लाइट इज टाइम सेविंग अ ब्रेव लीडर इज कॉन्फिडेंट ऑन हिज एक्शन जैसे कि मैंने अब कल की वीडियो में बताया था कि जो हमारे सेंटेंसेस है जो आप सेंटेंस बनाएंगे किसी वर्ड से वो कैसा होना चाहिए वो एक सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ निकले कोई मतलब हो उसका है राइट right. दूसरी चीज जो आप सेंटेंस बना रहे हैं वो आपके ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस होने चाहिए लाइक like, मैंने आपको बताया था कि आ, हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए हमें नॉलेज नहीं चाहिए फैक्चुअल सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है नॉलेजेबल सेंटेंस नहीं चाहिए हमें ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस चाहिए ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस क्यों चाहिए बच्चे आ, आप सबको पता है कि जो साइक है इन योर एस एस साइक कभी कैंडिडेट से वन टू वन मिलता नहीं है तो साइक के लिए कैंडिडेट कौन है साइक के लिए जो आप लिख के दे रहे हैं वो कैंडिडेट है मतलब कि जो आपका डोजियर है वो एज अ कैंडिडेट काम करता है फॉर साइक तो आप जो भी कुछ अपने टीएटी -टी की स्टोरी में लिख रहे हैं डब्ल्यू के सेंटेंसेस में लिख रहे हैं आप एस में जो एक्शंस ले रहे हैं जो आपका रिस्पॉन्स है और जो आप एच में अपने बारे में बता रहे हैं वो सब क्या है वो हमारे लिए एज कैंडिडेट काम करता है हमारे लिए आपका डेटा वही है वहीं से आता है सो so, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है 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 एंड दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि जो आपका और है, वो आपका और वो सब माइंड का टेस्ट है और जो आपका एस और एस है वो आपके अनकॉन्सियस माइंड का टेस्ट है तो so, टीएटी और डब्ल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके साइक के सो so, आपको इन दोनों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो so, uh, अभी आर्यन सिंह गुड बच्चे आपने अच्छे एफर्ट्स करे हैं और अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं दूसरा हम पढ़ेंगे गणो नारायण का ओके पोलाइट बीइंग पोलाइट इज द की टू सक्सेस ओके द फ्लाइट वाज डिलेड बाय वन आर अब इसमें क्या है द फ्लाइट वाज डिलेड बाय वन आर आप क्या कर रहे हैं आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये क्या हो गया इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया और मैंने आपको क्या कहा था हमें थर्ड इज आर सोल्डर्स आर ब्रेव ओके वर्किंग अलोन मेक अस मेक्स अस स्ट्रॉगर ओके वी ऑल नीड समू शेयर आर है so, एक चीज और आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको जो पर्सनल सेंटेंसेस हैं या पर्सनल नाउन है उनको आपको यूज नहीं करना है और पर्सनल सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि जैसे आप खुद से रिलेटेड सेंटेंस को नहीं लिखेंगे जैसे पर्सनल नाउन की बात करें तो आई ही सी हिज राम गीता सीता जो ऐसे सेंटेंस आप इस तरीके सेंटेंस को फ्रेम नहीं करेंगे ओके okay, अब पढ़ते हैं हम अगला कमेंट अभी मैं एक कमेंट ढूंढ रही हूं थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा था एक बच्चे का नीड जो आपका फिफ्थ वर्ड था वो था नीड तो उससे एक बच्चे ने बनाया था कि आई नीड एस एस बी कोचिंग तो बच्चे आ, मुझे अभी वो कमेंट दिख तो नहीं रहा है बट इफ यू वांट आप एस एस बी कोचिंग के लिए एलडब्ल्यू एस आ सकते हैं ओके okay, हर्ष कुमार पोलाइट Polite speaking, please everyone. Okay. Nowadays, flights are fastest mode of travel. Somehow, a uh, thoda of uh, informative sentence, but can be acceptable. Brave true soldiers are always brave. You have to change this, bacha. Friends remove loneliness. Okay. Kind people always help the needy ones. need Tiwari. Politeness is the ornament of bravery. Okay. द फ्लाइट ऑफ माई ड्रीम्स इज टू हाई ब्रेवरी इज द ब्लड ऑफ इंडियन ओके अभी आपनेबल यू अलोन आर कैपेबल अगेन यू ये क्या हो गया पर्सनल सेंटेंस हो गया तो आप क्या करेंगे इसको रिफ्रेम करेंगे पर्सनल सेंटेंस नहीं बनाने हैं आप हेल्प द नीडी वन इसको भी बेटा आप चेंज करेंगे आयुष कुमार सिंह का पढ़ते हैं

उन्होंने क्या लिखा है डॉक्टर्स एंड काउंसलर बिल बी बच्चे आपको विल कुड मस्ट ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको आपको जब आप सेंटेंस को लिखेंगे या सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे तो आप इनको अवॉइड करेंगे अगेन विल सुड कुड मस्ट पर्सनल लाउन नेवर नॉट डोंट ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको आपको अपने सेंटेंसेस में नहीं इंक्लूड करना है आपको इनको अवॉइड करना है अब पढ़ते हैं हम लर्न विथ सुमित वाले चैनल पर भी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स हैं दो चार कमेंट्स हम यहां से ओके okay, तो फर्स्ट कमेंट है अनिकेश शर्मा ओके पोलाइट पोलाइट नेचर मेक्स माइंड काम गुड people with a job desire have high flight yes courage makes person brave yes nature never makes person to feel alone okay बच्चे ठीक है सब कुछ लेकिन आपने ये जो नेवर का यूज किया है ये आपको नहीं करना है तो आप जो अगला अपना आ, सेंटेंस बनाएंगे उसमें आप ध्यान रखें कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आपको यूज नहीं करना है तो बी केयरफुल कि आप उन सारे वर्ड्स को जब भी आप सेंटेंस की फ्रेमिंग कर रहे हैं सेंटेंस बना रहे हैं तो उन सारे वर्ड्स को यूज ना करें पेरेंट्स आर नीड ऑफ चिल्ड्रेन गुड वेरी गुड ओके सो नेक्स्ट इज प्रियांशु कश्यप ओके

बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स रहे आप लोगों के बहुत अच्छा लगा मुझे फॉर योर एफर्ट्स आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं सो तो थैंक यू सो मच अगेन मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय टेक केयर